तो यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि यार आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ यार मैं आप सभी लोगों का हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। और दोस्तों आज जो भाई अपनी बस जाने वाली है, मैं आपको दिखाऊँ, ये है दोस्तों अशोक लेलैंड की जो है दोस्तों यहाँ पर ये बस है। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले मैं बैग गियर डालता हूँ। चलिए चलिए चलिए, चलिए। तो दोस्तों अपनी भाई ये बस है आज। ठीक है ठीक है, वैसे तो बिल्कुल सही क्वालिटी है। चलिए ठीक है, वैसे तो मैंने बंद करके खड़ी कर दी, गियर में यहाँ पर खड़ी थी। ठीक है, वैसे सही लग रही है अपनी बस। और दोस्तों हमें जो है यहाँ पर 31 घंटे के अंदर आज जो है दोस्तों सबसे लंबा जो सफ़र दोस्तों तय करना है, वो भी इंडियन बस के साथ। आज आपको दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए, आज जिस साइड हम बैठे हैं दोस्तों ये होती है इंडिया में ड्राइवर साइड। इस बस का जो है दोस्तों थर्ड गियर के अंदर यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। चलिए काफ़ी अच्छी खींचती है दोस्तों बस। फोर्थ गियर डल गया। हाई स्पीड पर चलानी है बस, बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर। ओ भाई भाई साहब, बस की टॉप स्पीड देखकर तो आप भी चकरा जाओगे, 150 प्लस भाग रही है। बट थोड़ा सा यहाँ पर इसके और भी ये भी होना चाहिए था। ऐसे टर्निंग रेडियस तो देखो बस का काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, एकदम मुड़ती है। बहुत बढ़िया है। आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों क्या मस्त चल रही है ना। इंडिया में इन बसों का बहुत दबदबा है। वेट अ वाइल गाइस, वेट अ वाइल, वेट अ वाइल, वेट अ वाइल, वेट अ वाइल। ऑलराइट, तो हमें जो है यहाँ से होके जाना है। हम चाहे तो यार यहाँ पर कुछ ट्रैवल भी कर सकते हैं। वेट अ वाइल, कुछ ट्रैवल या दोस्तों यहाँ से हम जो है कुछ ट्रैवल करके भी जा सकते हैं। ठीक है देखो जरा, देखा मैं तभी तो क्यों, मैंने यार वो मोड़ वाला रास्ता जो है, ये देखो ये मोड़ वाला रास्ता जो दोस्तों है, मैंने फाल ऐसे ही मैं यहाँ से आया हुआ हूँ ना, अब मुझे इस रास्ते से यहाँ को जाना है बस को लेकर, तो मैं इसको और आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना, अभी 386 है, 700 कुछ यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ से सीधा चलते हैं ना इधर को लेकर बस को अपनी। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि जिस उस पर मैं पहले भी दोस्तों यहाँ पर आया हूँ, तो वहाँ से बस को ले जाने में क्या ही सेंस बनेगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आज भाई डबल स्लीपर चलाओ, डबल स्लीपर। भाई डबल स्लीपर भी दोस्तों चलाएंगे। ऑलराइट
वैसे तो भाई मज़ा आता है बस को चलाने में। ठीक है, अपना लगाया फोर्थ गियर, अपने बस एक लाइन में अपनी चलती रहे, एक लाइन पकड़ कर चले ना अपनी बस, बिल्कुल सही है दोस्तों। देखो कुछ भी दिक्कत नहीं है। वैसे ब्रेकिंग काफी ज्यादा प्यारी है भाई, इंडियन होने के मुकाबले बस की जो ब्रेकिंग है दोस्तों काफी ज्यादा काबिलियत तारीफ है। बट थोड़ा सा टर्निंग रेडियस और भी अच्छा हो सकता था बस का। बहुत इस वाले इन मोड़ों पे ना बस को जो है पूरी घुमानी पड़ रही है। ऑलराइट ऑलराइट, अच्छा जी, थोड़ा सा दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है, वैसे कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। देख रहे हो, एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, ज़रा मुझे जो है एक बार सेटिंग्स में जाकर कंट्रोल्स, जो स्टीयरिंग सेंसिटिविटी है फुल है यार, स्टीयरिंग सेंसिटिविटी हल्की सी स्टिफनेस मैंने जो है गाइस कम कर दी, जो कंफर्टेबली बस को जो मैं यहाँ पर घुमा सकता हूँ। इसको भाई टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा चाहिए घूमने के लिए इस वाली बस को ना, बहुत रास्ता चाहिए भाई घूमने के लिए, मुझे नहीं पता था पहले। असल में पावर स्टीयरिंग नहीं है ना ये पावर स्टीयरिंग वाली बस नहीं है भाई दोस्तों, हमने तक वॉल्वो वगैरह पावर स्टीयरिंग चलाई है। अब पता चल रहा है ना इंडिया वाली। ओ भाई साहब, दोस्तों मुझे देखो क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। और वो भी प्यार मोहब्बत के साथ दोस्तों। ठीक है ना, चलिए दोस्तों प्यार मोहब्बत के साथ अब करते हैं फोर्थ गियर में अपना। काफी प्यार प्यार से चलाता हूँ यार मैं। क्योंकि ये वाली जो भाई इंडिया में बस चलाते हैं लोग ज़्यादा 90 92, किसी सीधा रोड मिल गया तो बस चला ली 100, समझ गए। चौथे गियर में देखो कितनी खींच रही है बस, आराम से 140 वगैरह क्रॉस कर देगी आराम से, कोई दिक्कत की बात ही नहीं बस के लिए। अपने बाजुओं में इतनी ताकत रखो कि तुम अपनी बस को जो है मोड़ भी पाओ, और अपना पंजा भी देखो थोड़ा कम रखो। अगर तुम एक अच्छे प्रोफेशनल ड्राइवर बनना चाहते हो ना, तो ये भी मत रखो कि तुम्हें अपनी बस को जल्दी लेकर जाना। भाई इतनी सारी जनता भी साथ में बैठी है, उनका भी तो ख्याल रखो, सामने वाली आने वाली पब्लिक भी भाई एकदम वो है, मतलब उनके भी परिवार वाले हैं, तो भाई हर किसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर सोचना चाहिए ना। हाँ, जहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि तुम कॉन्फिडेंशियल हो कि हो जाएगा काम, तो करो भी अपने काम को, ऐसा भी नहीं कि छोड़ दो, बस करो भी अपने काम को बट काफ़ी ज़्यादा प्यार के साथ। देखो जहाँ पर मुझे लग रहा था बहुत बस को स्पीड कम की ज़रूरत है, 30 37 पे ले आया मैं, कोई बात नहीं भाई हो जाएगा, पर हम आराम से चलाएंगे ना। अब यहाँ देखो हल्की स्पीड पर ही चली गई बस भाई, 700 किलोमीटर का दोस्तों सफर है, 700 किलोमीटर, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। ये वीडियो कम से कम 40 मिनट से ऊपर की होने वाली है दोस्तों।
अगर ऊपर वाले की सफाई अभी तक तो हर चीज सही चल रही है। ऐसे ही चलती भी रहे यार। यार पीछे लग रही है बस अपनी। हल्के 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 काफी हल्के काफी हल्के। कटर टर्न देख रहा भाई कहाँ कटर कटर टर्न कटता है दोस्तों इतनी दूरी के ऊपर को। अभी हम पहुंच तो गए भाई कहीं। चल 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 सही है भाई। ये इंडियन बस का जो भाई पावर स्टीयरिंग नहीं है। चलो विदाउट पावर स्टीयरिंग चलाने की भी दोस्तों आदत पड़ गई। शहर में तो बिल्कुल भी नहीं रुकना। शहर नहीं है कस्बा ही मान लो कस्बा टाइप है। यहाँ से तो बहुत तेज निकलना है बहुत ज्यादा तेज। 128 की स्पीड में निकल गया और क्या 30 से तेज क्या 33 पे चल रही है। पांचवा गियर। ये रोड हल्का सा खराब टाइप का है। इतना भी नहीं है वैसे इतना लगता है दिखने में। इतना भी नहीं है वैसे वैसे सही चल रही है बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। हल्की सी ना पीछे से ऐसी सी होती है तो देखो इतना सा तो देखो होता रहता है। बहुत पावर है इसके। ये जो बाहर देश वाली बस है तो उसमें छह ही गियर है भाई। सिक्स तो मैं चला रहा हूँ आराम से। देखते हैं क्या टॉप एंड पकड़ती है। धीरे धीरे पकड़ रही है अभी तो स्पीड। वो जा रही है आगे बस इसको पीछे करता हूँ। अशोक लेलैंड की बस अच्छी होती है वैसे तो। दिक्कत की बात तो इनमें कुछ नहीं होती। 150 तो भाग गई है बस। 620 कुछ किलोमीटर ये रह गया। जल्दी कर लेगी क्रॉस ये। अगर यही स्पीड मेंटेन रही ना तो काफ़ी जल्दी ही हम जो है दोस्तों अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। 150 पे चल रही है बताओ बस। तेरी ऐसी तैसी। ओ भाई साहब मेरी गलती नहीं है उस बस वाले गलती है। बस वाला कहाँ बस वाला भाग गया यार। यार ब्रदर मेरी जो है वो नहीं थी ये। बस क्या ही करें अब। क्या ही बोले यार। अब दोस्तों हमारी गलती भी थी। गलती उस बस वाले की थी। आपने देखा होगा भाई बस वाले ने कैसे एकदम इधर को कट मार लिया। तो भाई बंदा जब तुझे पता है इधर को वो नहीं चल रहे तो थोड़ा इधर को करके चला ले। नहीं हम तो इधर ही करेंगे। अब ये बस वाले भी तो भाई आधे से ज़्यादा नमूने ही होते हैं। क्या बोलते हैं हम किसी को भी यहाँ पर। भाई ये पावर स्टीयरिंग नहीं है। जब पावर स्टीयरिंग नहीं होती ना बस तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चलाने में। बट इतनी भी नहीं भाई एक्सपर्ट ड्राइवर्स को कुछ नहीं होती। अब पता है जब पावर स्टीयरिंग भाई बस नहीं है तो बस कम स्पीड पर ही चलाओ। फिर भी भाई देखो इतना तो जिगरा रखना चाहिए ऐसे ऐसे रोड पर। कम से कम नहीं तो बस 100 से ऊपर तो भाई चलनी चाहिए। देखो ये जो बस है ना कितने में चल रही है। घूम पर मैं कम कर लेता हूँ भाई। घूम पर 3 मोड़ है ना
पावर स्टीयरिंग है, वरना होती ना मेरी दूसरी वाली वोल्वो, तो वोल्वो को तो भाई मैं यूं ही निकाल दूंगा, वोल्वो की टेंशन नहीं है। बस है जो इंडियन वाली होती है ना, तो इनमें काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, समझ रहे हो तुम? देख लो भाभी, रोड भी तो सीधा नहीं है, ऐसा है शिमला या मनाली, इससे अच्छा तो पावरफुल उसमें जो चौथे गियर में चल रही है, कम से कम उसमें पिकअप तो है। हाँ यार, आरपीएम पर। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, अच्छा फोर्थ गियर में। सही है, वैसे भाई एक एक चीज देखी जाएगी, अपनी जो इंडियन बस है ना, है वॉल्वो से तेज भाग रही है, और ऐसी बात नहीं, इसने बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं दे रखा मेरे हाथों में, कॉन्फिडेंस भाई पूरा दे रखा है, जो बात है। तो तेरी बस ना हल्का सा एक दिक्कत आती है, बस हल्की सी एक दिक्कत है, बस क्या ही बोलूँ दिक्कत के बारे में भी। अभी ड्राइवर काम कर रहा है, इसे भी नींद आने लग गई ड्राइवर के बच्चे को। उस वाली वॉल्वो पर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ये आता है कि वो भाई कहीं पर भी धंस सी जाती है जमीन में। लॉजिटेक G29 ना टूट जाए। तेरी भाई साहब, ये तो खतरनाक वाला मोड़ था। बसों में कुछ दिक्कत आती नहीं, इनमें भी आती है, बट बहुत ही ज्यादा माइनर से वक्त के बाद। लैंडस्लाइड हुई हुई है दोस्तों यार यहाँ पर, चार सौ 90 किलोमीटर भी ऐसे चलानी है, और अपने ड्राइवर को आई दोस्तों नींद, कहीं पर रेस्ट लेते हुए चलते, बट अभी रेस्ट लेने का भी तो वक्त नहीं है ना दोस्तों, पीठ भी एकदम भाई वो हो गई है। ये जो नीली बस वाले ड्राइवर जब से आए ना यार, ये भी इंडिया के ही हैं कुछ ना कुछ, तो भाई लगता है रास्ते में कुछ ना कुछ होगा। तो ऑलराइट, तो गाइस हमें जो है यहाँ जाना है बिल्कुल एंड पर, ठीक है, रास्ते में ये आएगा, यहाँ पर सो जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से अगले दिन कट मार के चलेंगे। चलो सही है, जो बात है सही है यार, बस चलने में तो हाँ
अब जो है सीधा सा रास्ता दोस्तों आया है, पांचवा गियर है भाई। ओ भाई साहब क्या मस्त नज़ारा है दोस्तों, क्या मस्त नज़ारा है दोस्तों। पांचवे गियर में हायर आरपीएम पर 150 से ऊपर जो है बस चलती है। ऐसे हम पहुंच गए दोस्तों, बहुत ज्यादा जल्दी पहुंचे हम। जस्ट स्टार्ट यहां से कल जाना है दोस्तों हमें सीधा। यहाँ पर सोने के लिए है क्या कुछ? ऑलराइट तो भैया गाइस मैं जो यहीं पर सो भी सकता हूँ। मुझे लगता है ना भाई सोने के लिए ना अब ये भी जो खरीद ही लेते हैं दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, गैरेज है, एक गैरेज है दोस्तों जो कि हमने यहाँ पर भी दोस्तों परचेज कर ही लिया, क्योंकि अपनी बस भाई यहाँ से भी निकाली जा सकती है। तो ये ना दोस्तों एकदम मस्त है। चलो भी अपना ये जो भाई रेड है, चलिए तो बस को भाई जो लगाई जाएगी यार यहाँ पर। एक बार डिपो ही समझ लो, चलिए दोस्तों फाइनली अब दोस्तों रेस्ट का टाइम आया। और राइट गाइस तो फिलहाल अभी जो भाई रात हो चुकी है और रात के इस अंधेरे में हमें जो चलना चाहिए क्या? ओ भाई राइट दोस्तों और राइट वैसे तो यार मुझे लग रहा है ना लाइट में कुछ ना कुछ तो इशू है दोस्तों, ऐसे तो जाएगी नहीं। बस रहने दो भाई, सुबह को ही चलेंगे हम और रेस्ट कर लो अभी, और रेस्ट करते हैं भाई, सुबह को ही निकलेंगे। 11 बज चुके हैं दोस्तों, चलिए अब निकल चलते हैं। ऐसे भी दोस्तों रात को निकलने का कोई फायदा होता ना, क्योंकि हम कहाँ ही तक पहुंच पाते यार। अब सुबह को तो देखो दोस्तों ऐसा भी अपना सफर दोस्तों कटेगा ही, जितना भी कटेगा पर दोस्तों कटेगा तो है ना। चलो जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर, 422 किलोमीटर है, 700 का सफर था, देखते हैं भाई 422 किलोमीटर हम कितनी देर में यहाँ पर क्रॉस करेंगे। 17 घंटे दे रखे हैं अभी तो। वैसे ऐसी बात नहीं कि तुम्हारे भाई ने स्पीड नहीं मेंटेन कर रखी, स्पीड भी भाई
140 मेंटेन है कल से ही, अब से नहीं, और स्पीड मेंटेन है भाई कल से। यहाँ पर जिधर जिधर जा रहे हैं ना, हरियाली सी खत्म होती जा रही है, पता नहीं क्यों भाई ये ऐसे ही रेगिस्तान भरा इलाका है क्या, लगता तो ऐसे ही है। चलो वैसे रेगिस्तान भरा इलाका ज्यादातर होता नहीं है, बट ये बस जो है मैं वहाँ पर डिलीवर करके आनी है, ठीक है ना। आप सभी लोग सोच रहे होंगे सवारी तो आनी बस में, हाँ हमें बस देकर आनी है दोस्तों यार वहाँ पर। ऑलराइट तेरी हो तेरी हो तेरी हो तेरी हो तेरी हो तेरी, सही है सही। चलो निकल गए निकल गए निकल गए, कैसे कैसी जगहों पे को निकालनी पड़ी भाई ये बस। अपनी स्पीड 350 किलोमीटर रह गया गाइस, और भी छोटा रोड। चलो सही है, ये रोड आने ही बाकी था क्या भाई साहब। रुकना रुकना तो रुकना पड़ेगा भाई, यहाँ पड़ेगा दोस्तों रुकना। वो देखो बस वाला कितनी तेज ला रहा है, मैं तो भाई नया ड्राइवर हूँ ना यहाँ के लिए। चलो अरे 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ हाँ रुक जा, अबे रुक जा तेरी ऐसी तैसी। बात है पता नहीं कैसा सा रोड है यार दोस्तों, एकदम ही खतरनाक सा। बस का ग्राउंड क्लियरेंस 3-4 बार लग गया। यह है दोस्तों खतरनाक रोड। अबे चल 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 चल, मेरी ऐसी तैसी। वैसे वैसे खराब ट्रक पड़ा है एक, ये सही मौका इसको ओवरटेक करने का, निकाल दारिश। अच्छा 44% तो डैमेज ही हो गई बस, फिर रोड भी तो देख लो क्या है ये। वो भैया साइड में होके फोटो खींच ले पे तेरी ऐसी तैसी, भाई जो रोड के बीच में खड़ा होके वो फोटो खींच रहा है वो। %64 बस डैमेज भाई साहब, असल में ग्राउंड क्लियरेंस भी तो बहुत ही ज्यादा कम है यार। सारी बात तो यही आ रही है, चलो सही है। काफी आराम आराम से
जो भी है दोस्तों, बस को चलाना थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा नहीं, पर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सा है। पर ऐसी बात नहीं, तुम्हारा भाई ऐसा रोड भी देख करना भाई, बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा, एक नंबर उसमें चला रहा है। बस की हालत हो रही है बिल्कुल ख़राब, बस अब नहीं होनी चाहिए भाई ख़राब, वरना तो हो जाएगा काम। देखो आगे एक ट्रक का काम हुआ पड़ा है। ओ भाई साहब लग गई दोबारा से, एक बस का भाई काम हुआ पड़ा है दोस्तों। अबे चल ले, तू तो चल ले, तू कहीं भी बेइज्जती कराना स्टार्ट कर देती भाई। तू तो चल ले मेरी रानी। न्यूट्रल होकर चल ले, ये तो न्यूट्रल होकर भी स्टार्ट नहीं हो रही दोस्तों। ऑलराइट, ऐसे ही चल रही है बस दोस्तों। हो गई भाई फाइनली स्टार्ट। फाइनली स्टार्ट हो गई भाई बस, चलो सही है भाई, ऊपर वाले का शुक्र है। ये है बिल्कुल लास्ट वाला इलाका है। 65% डैमेज हो गई बस, 65% डैमेज हो गई बस भी तो। भाई साहब 200 किलोमीटर के अंदर बस की भी तो हालत खराब हो गई, मेन बात तो ये भी तो है। चल 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 मेरी धनो, चल चल मेरी धनो, चल हो जा स्टार्ट। और ड्रामे वाजी सी दिखा दी तूने। यहाँ बहुत ताकत लगी बस की, और मैं गलत गियर में चला रहा हूँ। अबे तू अशोक लेलैंड की बस को पीछे करेगा क्या, है बड़ा गाड़ी वाला तू। भाई साहब वैसे दोस्तों मच्छर उससे यहाँ पर जो है आ गए, बहुत खतरनाक चैलेंजिंग रोड्स हैं दोस्तों। फिर बस जा भी तो तुमको दोस्तों यार कहाँ पर लेकर जानी है। अच्छा, ड्राइवर तो भाई आता भी नहीं है इधर को लेकर बस, जो अच्छे अच्छे ड्राइवर है ना शहर के, वो तो आते भी नहीं, मना कर देते हैं जी हम नहीं जाते। यार रोड भी तो बहुत छोटा है। अभी ही देख लेना कैसा सा मोड है, पहाड़ के ऊपर को है, बहुत थ्री मोड है वाला भी। चल 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 चल, हो जा स्टार्ट, हैंड ब्रेक लगा दी दोस्तों। अबे हल्का सा, चल 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 चल, पीछे लगेगी, पीछे लगेगी यार ये। अबे चल ले यार बस,
यार क्या है दोस्तों, बस चलो हाफ क्लच में उठी है, छोटे गियर पे ही चलाऊंगा यहाँ भाई, बड़ा गियर डालता ही नहीं भाई, दिक्कत होनी होनी है वरना। परसेंट पहुंच गया लेवल भाई साहब, 250 किलोमीटर है यार अभी, 250 किलोमीटर है, 74% पहुंच गया डैमेज। ये भी तो देखो अब यार, बस इतनी बार बंद हो रही है ये। मेरी रानी तू तो बंद मत हो, पहुंच जाएंगे हम जल्दी। रानी दोबारा स्टार्ट हो गई दोस्तों, रानी का भाई बहुत दिमाग सा खराब हो रहा है, वो हो रही है बस किस तरह स्टार्ट ही है। अस्सी पे जो मैं भगा रहा हूँ ना यार, भागती नहीं है गाड़ियाँ इतनी हाई स्पीड पर, इस लोकेशन पर वैसे। फाइनली गाइस हम जो है बस पहुंच ही गए। तो गाइस अभी हम जिस लोकेशन पर हैं, अब आप सभी लोग यहाँ पर देखिए, ये हम यहाँ पर आए ठीक है। हम जो है जाएंगे यहाँ पर सुलूनी, चलिए कोई नहीं देखी जाएगी, रुकना कहीं नहीं है। लगता है कि अगर रास्ता और भी ज्यादा खराब है। आराम से चल 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 चल, अब तो फुल ऑफ रोड है दोस्तों, अब है फुल ऑफ रोड रास्ता, जा भी तो हम ऊपर पहाड़ों में रहे ना। पहले गेम में चल 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 निकलो, चल 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 चढ़ना तो पड़ेगा तुझे। राइट गाइस, अब है ये ऑफ रोडिंग वाला रास्ता, आप इस स्टीयरिंग को देख पा रहे हैं किस तरीके से हिल रहा है दोस्तों। पूरा कच्चे रास्ते पर चल, तेरी ऐसी तैसी, हाँ तो नहीं पता नहीं क्या होगा। अबे भाई रुक तो जा, स्टार्ट तो होने दे, ले जाइयो इसे भी, जाना है दोस्तों इतनी जल्दी अभी। यार गाइस मेरे ख्याल से बस की ना बुरी हालत हो चुकी है, और अब मुझे जो है यहाँ पर जो है F7 दबा कर जो है सबसे पहले सर्विस सेंटर वालों के पास बस को जो है लेकर जानी पड़ेगी। अब ये देखना है कि बस जाएगी कहाँ पर सर्विस सेंटर। ऑलराइट, तो गाइस हम ज़्यादा दूर नहीं आए, जो कच्चा रास्ता है ना इससे जस्ट थोड़ा सा पीछे ही है, हाँ सांता रोजा में ही है। और हमें जो है कच्चा रास्ता पार करके जो है चुचीनी पहुँचना है, और फिर वहाँ से हम ऊपर पहुँचेंगे ठीक है ना दोस्तों। तो गाइस ये वाला जो हम सफ़र भाई कल तय करेंगे, और बस को जो भाई यहीं से जो भाई फिक्स करा लिया जाता है अभी से ही। या मैं सोच रहा हूँ ना कल दोस्तों डबल स्लीपर लेकर जाऊंगा यार मैं ऊपर ठीक है, इसको फिक्स ही नहीं कराता ठीक है। बट आई होप कि यार आपको वीडियो अच्छी लगी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी यार मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।